दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में मेरा नाम है अनमोल मित्तल देखिए आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोजीशन साइजिंग ऑन स्ट्रीक देखिए स्ट्रीक के ऊपर हम बहुत सारी वीडियो बनाते रहते हैं आप सभी को बहुत सारी स्ट्रैटेजी हम ऑलरेडी दे चुके हैं और आने वाले समय में बहुत सारे फीचर्स और बहुत कमाल की स्ट्रैटेजीज भी समझाने वाले हैं लेकिन आज की वीडियो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉजिशन साइजिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है एक बहुत बड़ा मसला कह सकते हो आप आपकी ट्रेडिंग के अंदर अगर कोई चीज़ चार चांद लगा सकती है तो स्ट्रेटजी मनी मैनेजमेंट और साथ में पोजीशन साइजिंग ये सारी चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है ये आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाता है देखिए खराब स्ट्रेटजी अगर होती है तो खराब स्ट्रेटजी के साथ भी मनी मैनेजमेंट आपको प्रॉफिट दिलवा सकता है पॉजिशन साइजिंग आपको प्रॉफिट दिलवा सकती है लेकिन अगर आपका मनी मैनेजमेंट खराब है और आपका पॉजिशन साइजिंग खराब है तो अच्छी से अच्छी स्ट्रेटजी भी फेल हो जाएगी तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ट्रेडिंग के अंदर पॉजिशन साइजिंग मनी मैनेजमेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो का तो आज की वीडियो में हम पॉजिशन साइजिंग कैसे कर सकते हैं स्ट्रीक के अंदर इसको समझेंगे रिस्क फैक्टर समझेंगे कितना इंपॉर्टेंट है ये समझेंगे चलिए चलते हैं अगली स्लाइड पर जरा समझते हैं कि क्या क्या ये इंपॉर्टेंट है क्या मतलब क्या रिस्क है इसके अंदर इस रिस्क को, को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में देखिए सबसे पहले आप रिस्क को जानिए देखिए मान लेते हैं आप एक कैपिटल लेकर आए वो कैपिटल है दस हजार रुपये अब ये कैपिटल कुछ भी हो सकती है कोई एक लाख लेकर आया या कोई दस लाख से ट्रेडिंग कर रहा है कोई एक करोड़ से कर रहा है वट आप किसी भी कैपिटल से ट्रेड कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता है रिस्क तो सबके लिए बराबर ही है अब मान लेते दस हजार रुपये लूज हो गए और फिफ्टी परसेंट पैसा रह गया यानी आपका फाइव के ही पैसा बचा ठीक है पांच हजार रुपये पैसा बचा ये लूज हो गया अब देखा जाए तो कायदे से तो आपने फिफ्टी परसेंट पैसा लूज करा लेकिन अगर इसी पैसे को रिकवर करना हो तो कैसे करेंगे इस पैसे को अगर रिकवर करना हो तो आपको कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा तो आपको दोस्तों एफर्ट लगाना पड़ेगा हंड्रेड परसेंट का क्योंकि पाँच हजार से अगर दस हजार वापस आपको करने हैं तो आपको दो गुना करने पड़ेंगे अपने पैसे डबल करने पड़ेंगे तो यही चीज़ हम समझाने की कोशिश करते हैं कि पैसे को रिड्यूस करना तो आसान है पैसे को रिड्यूस करना तो कम एफर्ट लगता है फिफ्टी परसेंट ही आपने लूज करा लेकिन अगर इसको रिकवर करना हो इसको उतना ही कैपिटल अगर आपको दस हजार रुपये वापिस चाहिए तो आपको वापिस डबल करना पड़ेगा पैसे को ठीक अगर हम दूसरे एग्जाम्पल ले मान लेते हैं अब आपका जो पैसा है वो रिड्यूस हो गया है सेवनटी फाइव परसेंट तक अभी सेवनटी फाइव यानी आपके पास टू पॉइंट फाइव के बचा ढाई हजार रुपये बचा अगर आपको इसको रिकवर करना है तो कितना पैसा करना पड़ेगा इस पैसे को हमें चार यानी चार गुना फोर टाइम्स आपको पैसा बनाना पड़ेगा तब जाकर के ढाई हजार रुपये दस हजार रुपये बनेंगे ठीक मैं अगर एक अनदर एग्जांपल लेता हूं कि अगर मान लेते हैं आपके दस हज़ार रुपये रिड्यूज़ हो गए नाइन्टी परसेंट तक रिड्यूस हो गए यानी अब आप आपके पास वन के ही बचाए एक हज़ार रुपये ही बचाए नौ हज़ार रुपये आपने बर्बाद कर दिए या लूज़ कर दिए है लॉस हो गया है बहुत ज़बरदस्त तो अब इस पैसे को रिकवर करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको दस गुना पैसा कमाना पड़ेगा हंड्रेड uh, माफी चाहूँगा वन थाउजेंड परसेंट आपको करना पड़ेगा अब आप देखिए क्या ये करना आसान है ये करना बिल्कुल भी आसान नहीं है पैसा लूज़ आपने बहुत जल्दी कर दिया लेकिन ये सारा करना इसको कवर करना रिकवरी करना आसान नहीं है तो इसको आप कैसे बचा सकते हैं इसको आप अपने मनी मैनेजमेंट और पॉजिशन साइजिंग से बचा सकते हैं और पॉजिशन साइजिंग इतना ज़बरदस्त काम करती है अगर आप इसको अच्छे से अपने मनी मैनेजमेंट में अप्लाई करते हैं अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट देखने को मिलेगा तो इसको हम समझेंगे बिल्कुल प्रैक्टिकल समझेंगे और बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत हुई बहुत अच्छे से हम समझाएंगे सबसे पहले वॉरन साहब के जो दुनिया के नंबर वन इन्वेस्टर है सबसे ज़्यादा पैसा इन्होंने ही शेयर बाजार से कमाया है इनका जरा रूल जान लीजिए देखिए इनके दो रूल है रूल नंबर वन क्या कहता है नेवर नेवर लूज मनी और रूल रूल नंबर नंबर कहता है फॉरगेट भाई अपने पैसे को खोना नहीं और रूल नंबर वन कभी भूलना नहीं तो ये इनके दो रूल्स है तो ये जो दो रूल्स है इनके अंदर कहने को तो ये कुछ दो लाइनें हैं लेकिन इसके अंदर तो बहुत कुछ छुपा हुआ है वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपना पैसा लूज करते हो अगर आप अपने पैसे को खोते हो तो उसको रिकवर करने में उससे ज्यादा मेहनत आपकी लगने वाली है तो उस मेहनत से बचने के लिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट इतनी सेफली करनी पड़ती है अपना ट्रेडिंग इतना सेफली करना चाहिए कि आपका पैसा कम से कम रिस्क में हो कम से कम रिस्क का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही रिस्क ना लें क्योंकि अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा तो आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना पड़ता है कि हाँ मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ इस रिस्क में मैं कंफर्टेबल हूँ इससे अगर मुझे मुनाफा आता है तो मैं उस मुनाफे से कंफर्टेबल हूं अगर ये पैसा मेरा चले जाता है तो भी मैं कंफर्टेबल हूं ये रिस्क हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते कुछ लोग ऐसे जो थोड़ा लेना चाहते हैं कुछ लोग ऐसे जो थोड़ा ज्यादा लेना चाहते हैं कुछ ऐसे जो बहुत ज्यादा लेना चाहते हैं तो वो आपके रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है लेकिन आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि आपका पैसा कभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा लूज नहीं होना चाहिए आपको इस हिसाब से स्ट्रेटेजी अपनी बनानी चाहिए चलिए अब जो स्ट्रीक ने ये जो पूरा सिस्टम हमें दिया है पोजिशन साइजिंग का जो फीचर दिया है अब ये फ़ीचर कैसे काम करता है इसके बारे में मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको स्लाइड पे दे रहा हूं ताकि आपको पहले ही थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या फीचर है फिर मैं प्रैक्टिकल आपको जब स्ट्रीक पर लेकर जाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या फीचर है तो आपको थोड़ा सा यहां समझ लेना है और अगर नहीं समझ में आता तो वीडियो को कंप्लीट देखना है हंड्रेड परसेंट श्योर कि ज्यादातर तो लोगों को बहुत अच्छा बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा फिर भी कोई कंफ्यूजन रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं हम कोशिश करेंगे आपको उसका आंसर करने की देखिए पोजीशन साइजिंग जो स्ट्रीक ने हमें प्रोवाइड कराई है ट्रेडिंग के लिए इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडियन स्टॉक मार्केट के स्टॉक के साथ वो बहुत कमाल की है देखिए इसमें दो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है हमारा रिस्क बेस्ड दूसरा ऑप्शन है कैपिटल बेस्ड सबसे पहले हम कैपिटल बेस्ड की बात कर लेते हैं अब कैपिटल बेस्ड क्या है मान लेते हैं कि आप दस हजार रुपये लेकर आए टेन के लेकर आए दस हजार रुपये और इससे आप एक ट्रेड के अंदर दस हजार रुपये लगाना चाहते हैं तो यहाँ क्या होगा कि जब आप स्ट्रिक को बता देंगे कि भाई मैं एक ट्रेड में दस हजार रुपये लगाना चाहता हूँ मेरा मैक्सिमम एलोकेशन दस हजार रुपये है तो स्ट्रिक ऑटोमेटिक क्वान्टिटी सेट कर लेगा अब कोई स्टॉक अगर सौ रुपए का है तो वो इतनी ही क्वान्टिटी लेगा कि दस हज़ार रुपये के आसपास वो आ जाए मैक्सिमम दस हजार के आसपास आ जाए कोई स्टॉक पाँच सौ रुपये का है तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि भाई पाँच सौ रुपये का एक स्टॉक है दस हज़ार रुपये मुझे लगाना है तो बीस क्वांटिटी मुझे लेनी है कोई स्टॉक अगर पाँच हज़ार का है तो वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि मुझे दो ही क्वांटिटी लेनी है क्योंकि मुझे एक ट्रेड में दस हजार रुपये लगाना है तो कैपिटल बेस्ड के अंदर ये होता है उसके बाद हमें स्टॉप लॉस के ऑप्शन मिलते हैं पहला ऑप्शन है परसेंटेज का अब इसमें आप लगा सकते हैं कुछ भी जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के लिए फोर वन परसेंट और टू परसेंट हमने टारगेट लगा लिया यानी हमारा है, हमारा स्टॉप लॉस है टारगेट है तो जैसे ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो अगर उससे वन परसेंट गिरता है नीचे तो स्टॉप लॉस लग दो परसेंट ऊपर जाता है तो टेक प्रॉफिट हो जाएगा तीसरा हमें ऑप्शन मिलता है इसके अंदर एप्सलूट का absolute क्या है इसके अंदर आप एक वैल्यू डालते हो फॉर एग्जाम्पल मैंने डाल दी हंड्रेड रुपीज और टू हंड्रेड रुपीज टारगेट यानी हंड्रेड हंड्रेड रुपीज का स्टॉप लॉस है दो सौ रुपए का टारगेट है तो अगर सौ रुपये कोई स्टॉक मतलब हमारा कैपिटल हमारा जो पोजीशन है अगर वो सौ रुपये लॉस में जाती है तो वो पोजीशन काट देगा अगर दो सौ रुपये प्रॉफिट में जाती है तो वो पोजीशन काट देगा तो ये हमारी होगी एप्सलूट वैल्यू जहाँ पर आप एग्जैक्ट एक वैल्यू डाल देते हैं फिर उस हिसाब से ये स्टॉप लॉस और टारगेट लेता है तीसरा हमें एक ऑप्शन मिलता है पॉइंट्स का अभी जो पॉइंट्स काम कर रहे हैं स्टॉक के प्राइस पे काम कर रहे हैं स्टॉक कितने रुपए का है मान लेते हैं स्टॉक है सौ रुपये का हमने यहां डाल दिया कि वन रुपीज स्टॉप लॉस है टू रुपीज हमारा टारगेट है तो अगर स्टॉक एक रुपये नीचे गिरेगा तो स्टॉप लॉस लग जाएगा दो रुपये ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेगा हम यहां पर इसको स्टॉक के प्राइस में हम दो रुपये चार रुपये भी कर सकते हैं कितना भी कर सकते हैं वो आपकी मर्जी है स्टॉक दो रुपये गिर गया तो हिट हो जाएगा स्टॉक चार रुपये बढ़ गया तो हमारा आ, पोजिशन में टारगेट बुक हो जाएगा और हमारे क्वांटिटी कितनी लेगा क्वांटिटी लेगा इस हिसाब से जो हमने यहां डाली है मैक्सिमम एलोकेशन तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा कैपिटल बेस्ड अब यहां पर एक दूसरा ऑप्शन मिलता है जिसमें है रिस्क बेस्ड अब रिस्क बेस्ड समझ लेते हैं अब इसके अंदर क्या होता है हमें अपना रिस्क डिसाइड करना होता है फॉर एग्जाम्पल कोई दस हजार लेकर के ट्रेडिंग करने आया है वो कहता है भैया मैं एक ट्रेड के अंदर सौ रुपये से ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता अगर मैं एक ट्रेड लूंगा तो मुझे मैक्सिमम सौ रुपये रिस्क चाहिए अब ये आपका रिस्क 200 हो सकता है किसी का किसी का हज़ार हो सकता है एक ट्रेड पर किसी का दस हज़ार हो सकता है वो डिपेंड करता है हमने एक वीडियो भी बनाई थी 1% वाली मैं आपको थंबनेल दिखा रहा हूँ ये वीडियो खत्म करने के बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं इससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि इसमें हमने वन वाला जो रूल बनाया है इससे आपको बहुत ज़बरदस्त हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग करने में तो वो चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं तो मान लेते हैं आप दस हज़ार पर लेकर आए आपने एक परसेंट कैलकुलेट कर लिया कि भैया मैं एक ट्रेड पे सौ रुपये रिस्क ले सकता हूँ तो ये क्या करेगा अब उसके बाद आपको दो ऑप्शन मिलते हैं पहला ऑप्शन है परसेंटेज का अब आप एक परसेंटेज लगा सकते हैं मान लेते हैं आपने परसेंटेज लगा दी टू परसेंट भाई टू परसेंट मेरा स्टॉप लॉस है और फोर परसेंट मेरा टारगेट है और मैक्सिमम रिस्क मेरा क्या है हंड्रेड रुपीज मतलब एक ट्रेड में सौ रुपये से ज़्यादा मेरा नहीं जाना चाहिए तो वो क्या करेगा वो स्टॉक के प्राइस का दो परसेंट निकालेगा सबसे पहले ये ये सारा काम ऑटोमेटिक होगा आपको मैनुअली कुछ नहीं करना है आपको तो सिर्फ सेट करके छोड़ना है मैं प्रैक्टिकल आपको समझाऊंगा आपको समझ में आएगा देखिए दो परसेंट निकाल लेगा फॉर एग्जांपल स्टॉक कोई स्टॉक है जो सौ रुपये का ही है अब इसका दो परसेंट कितना होगा टू रुपीज अब ये टू रुपीज को माइनस कर देगा आपके रिस्क से यानी यहां से अगर इसको माइनस किया जाता है तो हमारे पास आता है फिफ्टी तो अब ये फिफ्टी क्वांटिटी लेगा इसकी तो अगर फिफ्टी क्वान्टिटी लेने के बाद जैसे स्टॉक दो परसेंट डाउन होगा तो आपका मैक्सिमम आपका जो स्टॉप लॉस प्राइस आपने डाला है वो सौ रुपये हो जाएगा यानी सौ रुपए आपके चले जाएंगे और ठीक हमने चार परसेंट यानी इसका डबल जैसे ही वो चार परसेंट ऊपर जाएगा तो हमारा बुक हो जाएगा टारगेट तो इस तरीके से परसेंटेज वाला फीचर रिस्क बेस्ड में काम करेगा दूसरा हमें यह ऑप्शन मिलता है पॉइंट्स का पॉइंट्स का ऑप्शन जैसे हमने यहां समझाया था पॉइंट्स आपका काम करता है स्टॉक के प्राइस के ऊपर तो मान लेते हैं हमने यहाँ दो रुपये स्टॉप लॉस डाला फोर रुपीज हमने टारगेट डाला यानी स्टॉक दो रुपये गिरा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया स्टॉक चार रुपये ऊपर बढ़ा तो हमारा टारगेट हिट हो गया लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमारा सौ रुपये मैक्सिमम स्टॉप लॉस है यानी सौ रुपये जाना चाहिए तो वो कैसे कैलकुलेट होगा तो वो कैलकुलेट करना दोस्तों बहुत आसान है अगर आपने दो रुपये स्टॉक के प्राइस का पॉइंट्स डाला है तो ये दो रुपये क्या करेगा वो माइनस कर देगा हंड्रेड से हंड्रेड से माइनस कर देगा क्वान्टिटी क्वान्टिटी आई फिफ्टी तो ये फिफ्टी क्वान्टिटी लेगा यानी फिफ्टी क्वान्टिटी लेने के बाद अगर कोई स्टॉक दो रुपये गिरता है तो सौ रुपये आपका मैक्सिमम हो गया तो ये बड़ा सिंपल है मैं कैलकुलेटर के साथ आपको प्रैक्टिकल समझाता हूँ ट्रिक के प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और इसको प्रैक्टिकल समझते हैं आपको ब्रीफली एक इंफॉर्मेशन मिल गई है कि ये कैसे कैसे काम करता है आप दोबारा समझेंगे तो पूरी तरीके से पोजिशन साइजिंग का जो फीचर है स्ट्रीक के अंदर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा चलिए चलते स्ट्रीक प्लेटफॉर्म पे अब दोस्तों हम स्ट्रीक के प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं दो चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा स्ट्रीक एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पर आप स्ट्रेटेजी अपने ऑप्शन स्ट्रेटेजी साथ में आप स्कैनर बहुत सारी चीज़ें करते हैं और स्ट्रिक आपके लिए काम करता है अब इसके साथ आपके पास दो ब्रोकर होने जरूरी है एक तो जीरोदा एक आपका एंजल ब्रोकिंग अगर ये दोनों ब्रोकर है तो आप स्ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं अगर नहीं है तो दोनों में से किसी एक में अकाउंट चाहिए मैं पर्सनली यूज करता हूँ जीरोदा बहुत समय से और मुझे बहुत पसंद है अगर आपको जीरोदा में अकाउंट खुलवाना है तो डिस्क्रिप्शन प्लस कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दिया हुआ है आप उसके थ्रू खुलवा सकते हैं और कोई हेल्प चाहिए तो आप लिख सकते हैं चलिए आप सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पॉजिशन साइजिंग किस तरीके से काम करता है देखिए स्ट्रेटजीज बहुत सारी हमने बनाई हुई है स्ट्रीक के ऊपर तो हम स्ट्रेटजी के बारे में बात नहीं करने वाले कि स्ट्रेटजी क्या है हम सिर्फ पोजीशन साइजिंग समझने वाले हैं आप पुरानी स्ट्रेटजी हमारे चैनल पर देख सकते हैं स्ट्रीक की उसके थ्रू आप अपनी पोजीशन साइजिंग को अप्लाई कर सकते हैं या आपकी कोई स्ट्रेटजी है या आने वाली कोई स्ट्रेटजी है उसमें आप पॉजिशन साइजिंग अप्लाई कर सकते हैं तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजीज में जाते हैं क्रिएट स्ट्रेटजी पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर कोई भी एक स्टॉक लेकर के एक एग्जाम्पल लेना है हमें तो मेनली तो हमने स्टेट uh, बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट कर लिया टाइम फ्रेम हमने वन मिनट कर लिया प्लस यहाँ पर जो भी आप क्वांटिटी डालेंगे इसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाएगा जब आप पोजिशन साइजिंग करेंगे लेकिन यहाँ पर एक क्वांटिटी डालना ज़रूरी है क्योंकि कंपलसरी है तो मैंने यहाँ डाल दिया वन राइट बाई की स्ट्रैटेजी है अब क्या कंडीशन है बड़ी सिंपल सी कंडीशन डाल रहा हूँ कि पिछले दिन का जैसे ही हाई ब्रेक होगा वै वैसे ही हमें बाय करना है तो हमने क्या कहा कि हाई प्राइस क्रॉसिस अब प्रीवियस हाई और प्रीवियस हमने डे कैंडल लिया है राइट ध्यान रखिए डे कैंडल हमने लिया है ऑफसेट वन और ये हमने हाई करा है डे कैंडल यानी पिछले दिन का राइट और ये हमने डन कर, कर दिया है पिछले दिन का जो हाई है जैसे ही हाई क्रोसिस अबोव करेगा उससे वैसे हमें एंट्री लेनी है राइट अब यहां पर देखिए हम समझेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट प्रॉफिट को समझेंगे अब हमें जाना है सबसे पहले पॉजिशन साइजिंग में राइट तो यहां पर देखिए पॉजिशन साइजिंग टाइप आपको यहां डिसाइड करना पड़ेगा सबसे पहले आपको यह डालना है तो यहां पर देखिए कैपिटल बेस्ड और रिस्क बेस्ड अभी हमने थोड़ी देर पहले इन दोनों को जाना है तो सबसे पहले हम कैपिटल बेस्ड की बात कर लेते हैं कैपिटल बेस्ड के अंदर हमें तीन ऑप्शन मिलते हैं परसेंटेज एब्सोल्यूट और पॉइंट्स अभी हमने बात करी थी दो मिनट पहले और आपको थोड़ा बहुत आइडिया भी होगा इसका अब यहां पर देखिए किस तरीके से काम करता है अब यहां पर डालना होता है आपको मैक्सिमम एलोकेशन डालना है मैक्स एलोकेशन डालना है यानी आप एक ट्रेड के अंदर कितना पैसा लगाना चाहते हैं मान लेते हैं आपके पास एक लाख है तो आपने क्या करा दस भाग में डिवाइड कर दिया दस दस हजार पे कि भाई दस दस हज़ार रुपये एक ट्रेड में लगाऊंगा या एक लाख पूरे के पूरे एक ट्रेड में लगाऊंगा या पाँच पाँच हज़ार एक ट्रेड में लगाऊंगा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर आप यहाँ पर एक मैक्सिमम एलोकेशन डालेंगे कि भाई मुझे इतने रुपए के स्टॉक खरीदने हैं हर बार जब भी ट्रेड होगा मैंने यहाँ पर डाल दिया दस हज़ार रुपये यानी जितनी बार भी ट्रेड होगा तो दस हज़ार रुपये के आसपास का ही होगा मैक्सिमम उससे ज़्यादा का नहीं लिया जाएगा मैक्सिमम दस हज़ार रुपये में जितनी क्वांटिटी आती है उसी से ट्रेड लेना है अब कैपिटल बेस्ड के अंदर सारी जो क्वांटिटी है वो इस मैक्सिमम एलोकेशन पे ही डिसाइड होगी कोई स्टॉक अगर सौ रुपए का चल रहा है तो सौ स्टॉक ले लेगा कोई स्टॉक पाँच हज़ार का है तो दो स्टॉक ही लेगा तो ये बात मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई अब यहां पर आपको ध्यान देना है इन तीन फीचर्स के ऊपर जो परसेंटेज एप्सोल्यूट और पॉइंट्स है परसेंटेज में क्या है बड़ा सिंपल है यहां पर आप एक परसेंटेज डाल देंगे वन और टू मैंने एग्जाम्पल के लिए डाल दिया कि एक परसेंट स्टॉक नीचे जाएगा तो बिक जाए दो परसेंट ऊपर जाएगा तो टारगेट बुक हो जाए और दस हज़ार रुपये हम एक ट्रेड पे लगाएंगे और यहां पर कोई भी स्ट्रेटजी का नाम रख लीजिए मैं कैपिटल बेस्ड रख लेता हूं राइट कुछ भी रख लीजिए जो भी आप रखना चाहते हैं और सेव एंड बैक टेस्ट कर लेते हैं देखते हैं क्या रिजल्ट आता है तो देखिए ये रिजल्ट आया अब मेनली ये स्ट्रेटजी नहीं है आप माइनस फाइव परसेंट देख रहे हैं कोई स्ट्रेटजी नहीं है मैंने आपको पहली बोला सिर्फ हमने यहाँ पर आ, ये पोजिशन पॉजिशन साइजिंग समझने के लिए ही यूज़ किया है अब यहां पर देखिए हमने यहां पर डिसाइड करा था वन परसेंट दस हज़ार रुपये का एक परसेंट कितना होता है लगभग सौ रुपये तो ये देखिए यहां पर ये बाय हुआ यहां पर देखिए बाय हुआ और यहां पर देखिए क्वांटिटी इसने ऑटोमेटिक सेलेक्ट करी ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन क्वान्टिटी और किस प्राइस पे करी इस प्राइस पे थ्री फोर्टी वन पॉइंट नाइन जीरो यानी थ्री फोर्टी वन पॉइंट नाइन जीरो को अगर मल्टीप्लाई कर दोगे ट्वेंटी नाइन से तो दस हजार रुपए के आसपास आएगा और हर बार क्वांटिटी ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होगी क्यों ऊपर नीचे होगी स्टॉक का प्राइस अगर सस्ता होगा देखिए अब यहाँ सस्ता हो गया तो यह उनतीस की जगह तीस क्वांटिटी लेने लग गया स्टॉक का प्राइस यहां महंगा हो गया तो यह देखिए अट्ठाइस क्वांटिटी लेने लगा तो ये ऑटोमेटिक अपनी जो क्वांटिटी है वो चेंज कर देगा क्योंकि दस हजार रुपये हमने उसको दिए हैं और दस हजार रुपए में हम कह रहे हैं कि उतना ही हमें ट्रेड लेना है राइट तो अब यहाँ पर देखिए हमने एक परसेंट दस हज़ार का एक परसेंट कितना होता है सौ रुपये तो यहाँ देखिए हमने एक बाय करा राइट और तब हमारे पास आ, कोई जीरो रुपीज था कोई प्रॉफिट लॉस नहीं था और जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया ये देखिए तो यहाँ पर देखिए नाइन्टी एट पॉइंट सिक्स जीरो लगभग सौ रुपये के आसपास हमारा क्या हुआ लॉस हुआ अब यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर हमारा दो सौ रुपये का प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ क्योंकि एम आई एस पे हमने लगाया हुआ है तो जैसे ही मार्केट बंद होने वाली होगी जितना प्रॉफिट होगा उतना ही ले लेता है बाकी उसके अंदर कोई प्रॉफिट आएगा तो आपको कैलकुलेट होगा एक्यूरेटली तो सिंपली ये है एक परसेंट आपका स्टॉप लॉस वर्क करेगा और दो परसेंट आपका टारगेट वर्क करेगा अब दोस्तों परसेंटेज वाला मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है अब हम यहाँ समझ लेते हैं सेकेंड जो हमें ऑप्शन uh, मिलता है एप्सलूट का अब एप्सलूट के अंदर होता क्या है देखिए यहां पर आप एक वैल्यू दे देते हैं कि भाई इतने रुपए का स्टॉप लॉस चाहिए और इतने रुपए का टारगेट चाहिए परसेंटेज से कोई मतलब नहीं है यानी मैंने यहाँ पर दे दिया कि भाई पचास रुपये का स्टॉप लॉस चाहिए अगर मुझे एक ट्रेड में पचास रुपए का स्टॉप लॉस होता है तो मैं बाहर हो जाऊं या सौ रुपए का प्रॉफिट होता है तो मैं बाहर हो जाऊं राइट तो ये मैंने यहाँ पर कंडीशन लगा दिए है और सेव एंड रन बैक टेस्ट कर दिया है जैसे ही मैंने बैक टेस्ट करा है तो यहाँ पर देखिए ट्रांजेक्शन डिटेल में जाएंगे तो यहाँ पर बिल्कुल आपको एक्यूरेट आएगा देखिए पहला ही ट्रेड था यहाँ देखिए जो बाय हुआ बाय होने के बाद देखिए इसने क्वांटिटी दस हजार के हिसाब से ही सेट करी क्योंकि हमने दस हजार डाला है और जब स्टॉप लॉस यानी सेल हुआ स्टॉप लॉस हिट हुआ तो लगभग पचास रुपए के आसपास लॉस हुआ फिर यहां देखिए ये यह पॉइंट पहले ही लॉस था फिर स्टॉप लॉस फिर लगभग आसपास स्टॉप लॉस मेरा हिट हुआ देखिये पचास रुपए एड कर दो लगभग ये आ गया फिर इसमें पचास रुपए एड कर दो प्लस कर दो राइट तो इस तरीके से ये सेट होगा सारा और ये बहुत अच्छे से काम करता है पोजिशन साइजिंग वाला जो फीचर है स्ट्रीक के अंदर तो मुझे लगता है ये भी आपका एप्सलूट वैल्यू वैल्यू वाला समझ में आ गया होगा इसमें ज्यादा फर्क नहीं है उधर परसेंटेज डाल रही थी इधर सिर्फ आप एक प्राइस डालते हो क्योंकि इतना लॉस चाहिए इतना प्रॉफिट चाहिए अब यहां पर आता है एक तीसरा ऑप्शन जिसको कहते हैं पॉइंट्स पॉइंट्स वाला ऑप्शन क्या करता है आपका स्टॉक कितना गिर जाए या कितना बढ़ जाए उसके हिसाब से स्टॉप लॉस टारगेट डिसाइड होगा फॉर एग्जाम्पल एस का स्टॉक है तीन रुपए का चल रहा है तो मैं इसको एक वैल्यू दे देता हूं कि भाई अगर ये गिर गया अगर ये 300 कितने रुपए का चल रहा है 360 का छुपे थ्री फिफ्टी फोर पर ही आ गया लगभग तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए या फिर ये स्टॉक दस रुपए ऊपर बढ़ जाए तो मेरा टारगेट हिट हो जाए तो पॉइंट्स के अंदर स्टॉक का प्राइस कितना नीचे या कितना ऊपर होगा उसके हिसाब से डिसाइड होता है ये तीसरा फीचर है जो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाया है मैं रन एंड टेस्ट करता हूं आप यहां देखिए ट्रांजेक्शन डिटेल में जाएंगे आपको ध्यान देना स्टॉक के के प्राइस ऊपर स्टॉक का प्राइस देखिए क्या हुआ स्टॉक के प्राइस का क्या फर्क आया उस पर मेनली ध्यान देना है मैंने अभी डाला यहाँ पर छह रुपए गिर जाए तो ये वाला आप ट्रेड देखिए ये हो सकता है टाइमिंग खत्म होगी देखिए तीन पंद्रह पे इसने स्वेर ऑफ करा तो वो इंटरा की टाइमिंग खत्म हो गई थी इसलिए ये आपको सिर्फ डिफरेंस कितना मिल रहा है बहुत थोड़ा सा डिफरेंस मिल रहा है अब ये वाला देखिए बाय करा तीन पैसे में अब तीन पैसे में अगर माइनस छ रूपए कर दिया जाए तो ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आती है तीन यानी छह रुपए ये नीचे गिर गया तो स्टॉप लॉस क्या हो गया हिट हो गया राइट ठीक इसी तरीके से अगर दस रुपये ऊपर बढ़ जाता है मैं कोई एक ट्रेड दिखाता हूं जिसमें दस रुपए की मूवमेंट ऊपर की तरफ आई हो यहाँ कोई भी ऐसा ट्रेड नहीं मिला जिसमें दस रुपये की मूवमेंट ऊपर आई हो थोड़ा सा पैरामीटर चेंज कर देते हैं मैं दो रुपये का यहाँ स्टॉप लॉस टू रुपये मतलब दो रुपये नीचे स्टॉप गिर जाए और फोर रुपीज़ ऊपर बढ़ जाए तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट टारगेट वाला भी आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से पॉइंट्स वाला फीचर काम करता है एक सेकेंड ये देखिए अब यहां पर देखिए हमने क्या लगाया फोर रुपीज लगाया यहां पर टारगेट हिट हुआ है टीपी राइट तो ये देखिए हमने खरीदा कितने पे था अब इसमें अगर फोर रुपीज प्लस कर दो तो लगभग लगभग ये थ्री सिक्सटी सिक्स पांच पैसे का तो हेर फेर होता ही है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है तो इस तरीके से ये काम करता है यानी स्टॉक का प्राइस पॉइंट में स्टॉक का प्राइस कितना ऊपर नीचे जाएगा उस हिसाब से हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट लगता है राइट तो मुझे लगता है कैपिटल बेस्ड के अंदर आपको ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि कैसे काम करती है क्वांटिटी किस तरीके से डिसाइड होती है ये भी आपको समझ में आ गई है मैक्सिमम एलोकेशन कैसे होता है अब हम क्या करेंगे हम चलेंगे रिस्क बेस्ड में देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है सबसे ज्यादा आसान ये है और सबसे ज्यादा यूज आपकी यही आएगा रिस्क बेस्ड रिस्क बेस्ड में क्या है अब यहां पर देखिए मैक्सिमम एलोकेशन की जगह चीज चेंज हो गया अब यहां क्या लिखा गया है मैक्सिमम स्टॉप लॉस पर ट्रेड यानी मैक्सिमम स्टॉप लॉस आप पर ट्रेड पे कितना लेंगे यानी कितना पैसा आप एक ट्रेड में फूकने वाले हैं सीधी बात यह है तो मान लेते हैं कि आपने डिसाइड करा कि मैं एक ट्रेड पे दो सौ रुपए से ज्यादा स्टॉप लॉस नहीं लूंगा यानी अगर एक ट्रेड में लेता हूं तो मैक्सिमम स्टॉप लॉस मेरा दो सौ रुपए है उस हिसाब से भैया क्वांटिटी डिसाइड करो आप अब, अब स्ट्रिक अपने हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड करेगा अपने आप ऑटोमेटिक कैसे अब जरा इसको समझना बड़ा ज़रूरी है थोड़ा सा ये मुश्किल हो सकता है लेकिन आसान भाषा में समझाएंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको आसान भाषा में समझ में भी आएगा अब यहाँ पर दोस्तों क्या है कि दो फीचर्स मिलते हैं एप्सलूट वाला फ़ीचर आपको नहीं मिलता है एप्सलूट का कोई मतलब ही नहीं रह जाता क्योंकि अब जब आपने मैक्सिमम डाल दिया दो सौ रुपये तो दो सौ रुपये के हिसाब से काम करेगा अब एप्सलूट डालने की क्या ज़रूरत है जब आपने डाल दिया कि दो सौ रुपये ही मुझे स्टॉप लॉस चाहिए अब यहाँ पर आपको एक फ़ीचर मिलता है परसेंटेज वाला अब यहाँ मान लेते हैं आपने स्टॉप लॉस डाल दिया और यहां देखे टारगेट आपने टेन डाल दिया सॉरी फोर परसेंट टू परसेंट स्टॉप लॉस और फोर परसेंट टारगेट डाल दिया राइट right? अब क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी कि कितनी क्वांटिटी पे ट्रेड होगा ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये इतना इंटरेस्टिंग है आपको मजा आएगा सबसे पहले ये क्या करेगा स्टॉक का टू परसेंट निकालेगा मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ देखिए आपको कैलकुलेटर पर समझाएंगे आपने डिसाइड करा है कि भैया मैं दो स्टॉप लॉस लूंगा ठीक है तो ये क्या करेगा स्टॉक के प्राइस का दो परसेंट निकालेगा अब स्टॉक कितने का चल रहा है तीन सौ साठ का मैं यहां माइनस कर देता हूं नाइनटी एट परसेंट राइट नाइनटी एट परसेंट माइनस करते ही क्या होगा मुझे दो परसेंट निकलकर आ जाएगा सेवन पॉइंट टू राइट यानी तीन सौ साठ रुपए का दो परसेंट कितना होता है सात रुपए बीस पैसे राइट अब यह सात रुपए बीस पैसे आपका दो परसेंट निकल कर आ गया क्योंकि हमलोस टू परसेंट डाला हुआ था अब क्या करना है हमें दो सौ से डिवाइड कर देना है सेवन पॉइंट टू राइट तो हमें कितनी क्वांटिटी आई सत्ताइस राइट बाकी पॉइंट में पॉइंट वाले को भूल जाइए सत्ताइस क्वांटिटी आई तो अब ये क्या करेगा सत्ताइस क्वांटिटी ही लेगा अब मैं यहां पर देखिए जाता हूं यहां पर ट्रांजेक्शन डिटेल्स में और यहां देखिए नीचे जाते हैं हम ये देखिए नीचे देखिए सत्ताइस क्वांटिटी ले रहा है कभी कभार ये अट्ठाइस क्वांटिटी ले, ले रहा है क्योंकि स्टॉक का प्राइस कम हो गया और स्टॉक का प्राइस जितना कम होगा उतनी ज्यादा क्वांटिटी आएगी स्टॉक का प्राइस ज्यादा होगा तो क्वांटिटी कम आएगी तो परसेंटेज के हिसाब से इस हिसाब से कैलकुलेट करता है यानी आपका मैक्सिमम दो सौ जो आपने इसमें डाला है उससे ज्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं जाएगा चाहे परसेंटेज आप बढ़ा लीजिए अगर यही परसेंटेज अगर आप फाइव कर देते तो ये क्या करेगा क्वांटिटी किस तरीके से डिसाइड करेगा अब ये क्वांटिटी और कम कर देगा कैसे अब यहां पर मैं 5% के हिसाब से कैलकुलेट करके दिखा देता हूं आपको स्टॉक का प्राइस है तीन हमें निकालना है इसका पांच परसेंट कैसे निकालेंगे माइनस नाइन्टी फाइव परसेंट राइट तो अट्ठारह रुपये आ गया अब इस अट्ठारह रुपये से हमें दो सौ टू हंड्रेड को डिवाइड कर देना है अट्ठारह से तो हमारी जो क्वांटिटी आ गई ग्यारह आ गई राइट मैं यहाँ पर सेव एंड रन बैक टेस्ट करता हूँ यहां पर देखिए अभी देखिए ग्यारह क्वांटिटी दे, दस और ग्यारह क्वांटिटी के आस से ट्रेड ले रहा है राइट तो ये मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि परसेंटेज के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करेगा आपकी कितनी क्वांटिटी लेनी है अब यहां पर हम डिसाइड कर लेते हैं अब यहां पर यह सेकंड वाला ऑप्शन काम नहीं करेगा क्योंकि एब्सोल्यूट तो ऑलरेडी वर्क कर ही रहा है अब यहां पर तीसरा ऑप्शन काम करता है एक जिसमें हम ये बताते हैं कि स्टॉक कितना नीचे गिर जाए या कितना ऊपर चले जाए उस हिसाब से हमारा प्रॉफिट और लॉस डिसाइड होगा अब यहां पर मैं इसको बोलता हूं कि स्टॉक अगर तीन नीचे गिर जाए पांच रुपए ऊपर चले जाए तो मेरा स्टॉप लॉस और टारगेट ये मैंने अपना डिसाइड कर लिया है तीन रुपए या तो नीचे चले जाए तो बिक जाएगा ऊपर जा चले जाए तो बिक जाएगा यानी सौदा कट जाएगा ट्रेड कट जाएगा तो यहां पर क्या है कि तीन रुपया नीचे कैलकुलेट करना बड़ा आसान है अब मान लेते हैं स्टॉक चल रहा है तीन रुपए का तीन अब ये थ्री फिफ्टी सेवन पॉइंट फोर्टी फाइव अगर हो जाएगा तो बिक जाएगा या पांच रुपए ऊपर यानी थ्री सिक्सटी हो जाएगा तो बिक जाएगा बड़ा सिंपल है क्वांटिटी कैसे डिसाइड होगी बहुत सिंपल है देखिए इसमें क्या है कि आपको डिवाइड कर देना है इसको इससे मान लेते हैं आपका रिस्क है टू हंड्रेड रुपीज आपने डिवाइड कर दिया देखिए आपका स्टॉप लॉस कितना है स्टॉक तीन रुपए नीचे गिर जाए यानी मैंने डिवाइड कर दिया थ्री से यानी सिक्सटी सिक्स क्वान्टिटी ये लेगा अब यहां पर इसको रन कर देता हूं एक बार और एक बार देख लेते हैं कि क्या सिक्सटी सिक्स क्वान्टिटी के आसपास आ रहा है 66 क्वांटिटी के आसपास ही ट्रेड लिए जा रहे हैं। तो ये बड़ा सिंपल है। और अच्छे से हो जाएगी। साइजिंग, 1 रूल आपको समझ में आ जाएगा उसके बाद आप स्ट्रीक पे अप्लाई करिए दोस्तों पूरा फीचर था जिसको आप अप्लाई कर सकते अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर पॉजिशन साइजिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत काम आती है आपके पैसों को बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करती है अननेसेसरी